हेलो हेलो जय, वेरी बैड बेटा, तूने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तू फुल डे मेरे साथ स्पेंड करेगा, पर तू पार्टी से वैनिश हो गया। टेल राइट नाउ कहाँ है तू? मॉम, मैं आध्या के पास जा रहा हूँ, मैं आपको बाद में डिटेल्स देता हूँ। बाय बाय। बैक आ जा। हेलो जय, बैक आ जा। नो, अगर जय आद्या से मिलने चला गया तो मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। उन दोनों की गलतफहमी क्लियर हो जाएगी। मैं मुझे कुछ भी करके जय को स्टॉप करना ही होगा। मैं बस भैया बस। ए इतना हुआ? ए ऑटो वाले भैया, ऑटो हटाओ, मुझे गाड़ी निकालनी है। ये सब चैनल सुषमा। ओहो भैया ध्यान मत देना, बचपन की आदत है, ऐसी चिल्लाती रहती है, गले में भोपू है उसके। ऑटो निकाल रहे हो या मैं गाड़ी चलाऊं? इतनी भी क्या जल्दी में हो? ऐसे दिखा रही हो जैसे बेटा भाग के शादी करने जा रहे हैं और तू उसे रोकने जा रही है। चुप चुप बोला, जब भी माउथ ओपन करेगी रोंग रोंग ही बोलेगी क्या? और पास पास की काउंटिंग कर अपने। मुझे टाइम लगेगा, जरा रुकना। ये 70 रुपीज के चिल्लर गिनने में तो बहुत टाइम लगेगा, तब तक तो वो आदिया मेरे जय के गले में माला डाल देगी। चलना भैया। आतू जी, ये नोटिस देखो। नोटिस? ये देखा अंकल, मैं देख लेता। किसी बाबूराम ने अंकल के खिलाफ मैच फिक्सिंग का केस किया है। किसी बाबूराम को नहीं जानते। कोई बात नहीं पापा, इस बारे में बाद में बात कर लेंगे, आप अभी रेस्ट करो। ओके आद्या, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच भैया। वैसे हो सके तो जय से एक बार बात कर लेना। रहो अपने एटीट्यूड में, रहो अकेले अभी ना। कुछ भी कर सकता है लेकिन पापा, मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ। आप ठीक तो हो ना पापा? कैसे हुआ ये सब, किसने किया? दिया देख कौन आया। मैं देखती हूँ आदुति। आप शुभंकर वर्मा घर पे हैं? जी हटिए। हाँ तू जी, क्या हुआ सर? मैंने कहा था ना शुभंकर, अगर कोई भी तुम्हारे खिलाफ सबूत पाया गया तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। मुझे कुछ फोटोज और वीडियोस मिली हैं तुम्हारे खिलाफ। कैसे वीडियो? चलो पुलिस स्टेशन, मैं तुम्हें वहीं बताऊंगा। सर प्लीज 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 सर, इनकी हालत बहुत खराब है, हम आज ही इन्हें हॉस्पिटल से लेके आए। मैं कल इन्हें खुद ही पुलिस स्टेशन ले आऊंगी। ये देखिए, अगर आपको यकीन नहीं होता तो इनकी रिपोर्ट देख लीजिए, डॉक्टर ने इन्हें कहा है कि इन्हें रेस्ट की जरूरत है। सर मेरे पापा ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, कल इन्हें सुबह ले आना। चलो आदो, क्या हो रहा है मेरे साथ? सब ठीक हो जाएगा पापा, कुछ नहीं होगा आपको, मुझे पक्का यकीन है कि ये कोई गलत फहमी है। देख नहीं होगा, मेरा बाप लाग बो रहा है पर छोड़ नहीं है तेरा बाप। गद्दार तो बिल्कुल नहीं। मुझे पता है आपने कुछ भी नहीं किया, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। शर्मिंदा तो नहीं है ना अपने बाप को लेके? नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाए। आदुरी ये देखो, जय ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे क्या डाला है। शुभंकर वर्मा और उनके परिवार से मुझे कोई सिंपति नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की होगी। बेवकूफ हूं मैं, गलती होगी मुझसे आद्या, जो मैं तुम्हें वहां अकेले छोड़ के आ गया। तुम गुस्से में थी, स्ट्रेस थी, कर दिया रिएक्ट, लेकिन मुझे तो खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था ना। कितना बुरा लग रहा होगा आद्या को।
जाई जाने पापा के बारे में ऐसी बातें लिख सकती कैसे। जिसे मेरे घर वालों की इज्जत थी मुझसे क्या प्यार करेगा। कोई नहीं, प्यार से बनाऊंगा तुम्हें, फिर देखता हूं कि तुम कैसे नहीं मानती। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं माननी चाहिए, कोई बात नहीं माननी। जब से हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा जी, कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और तो तुमने कभी मुझसे किया नहीं, लेकिन अब छोटी दोस्ती भी नहीं रखती मुझे। आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, जयमित्र, शक्ल भी नहीं देखनी है तुम्हारी। भैया आपके यहाँ का जो बेस्ट बुक है ना वो दे दो, इसका बुक बना दो आपके लिए। नहीं ये वाला नहीं, कोई कोई और दिखा दो, ये परफेक्ट है। बना तो लूंगा उसको। ओके ओके जानता हूं तुम गुस्सा हो, गुस्सा तो मैं भी हूं, पर तुम परेशान थी, समझना चाहिए था मुझे, इसलिए मनाने आया हूं। दिया कोई जरूरत नहीं है दरवाजा खोलने की। क्यों, कौन है? कोई भी हो तुम जाओ पापा के पास। आध्या खोलो ना दरवाजा। अच्छा अब तुम दरवाजा भी नहीं खोलोगी? पता नहीं कौन सी दुश्मनी लेके बैठी हुई है, क्या किया मैंने? आद्या ओके फाइन। आदू दी सुनो ना प्लीज, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है प्लीज सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि इतनी आवाज होगी ना तो पापा उठ जाएंगे। मैं दरवाजा खोल रही हूँ बस। नहीं दिया। आध्या? हाँ। दिया पापा के पास जाके बैठ जा। ये तुम्हारे लिए। एनीवे यहां रख देता हूं। आध्या वैसे अंकल की तबीयत कैसी है अभी? पापा को देखने आया। हाँ अंकल को देखने भी आया हूं, और ये भी जानने आया हूं कि तू इतनी अपसेट क्यों? मैं नहीं पता। आई नो आध्या, जानता हूं मैं, और जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई ऐसे। ये लगता है कि लगता नहीं है आध्या, मुझे पता है। पर आध्या मैं कभी भी ऐसे एक्शन को कभी सपोर्ट नहीं करता हूं। ऐसे कैसे पब्लिकली, समझ नहीं आ रहा अंकल के। ये लगता है कि पापा,
हाँ अजय यही कह रहा हूँ, गलत हुआ है, इट्स रॉन्ग। तो कुछ भी है ये बहुत गलत है। रात में मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि इस सब का बुरा इफेक्ट हमारी दोस्ती पे क्यों हो रहा है। सीरियसली आतिक क्या हुआ आजा, मैं तुम जाओ यहाँ से। अरे आजा हुआ क्या तुम ऐसे निकलो यहाँ से, मैंने कहा तुम कैसे आई जाओ यहाँ से। अरे कुछ बताओगी आतिक, कर क्या रही हो तुम, मुझे धक्का क्यों मार रही हो, जाओ यहाँ से। Thank you.